दे दो सर। देखो एक बात मैं तुम लोगों को बोलूं, सबको कैसी बताऊं एक बात, बोलो भाई सर। यस देखो सर, यस सर। मैं मतलब अपने दिल की बात बोल रहा हूँ, तुम लोग पता मेहनत नहीं करते, तुम अपने मन से खुद से सोच पूछो, खुद से सोचो, खुद ही पूछो, खुद ही सर सोचो। 11th रिवाइज करने के लिए टाइम मिलेगा ना? क्या नहीं मिल रहा? टाइम नहीं मिल रहा मुझे, तुम 11th नहीं तुम 12th भी तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। सबका यहाँ वहाँ दिमाग है, किसी का पढ़ने पे दिमाग नहीं है। कुछ होंगे सर एक दो बच्चे। जो हाँ बोलो बेटा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है सेल में, तो सर उसमें नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन जब आता है सर, उसका मतलब क्या होता है? बेटा सिंपल, एक्चुअली जब रिवर्स ले लोगे है ना, जैसे जो गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते थे तुम, यदि याद हो तुमने थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा पढ़ा होगा, भगत सिंह सर है ना, तो वहां पे तुमने देखा होगा निगेटिव कर देते थे, यदि निगेटिव उल्टा हो जाए, रिवर्स लेते थे। जैसे मान लो बी प्लस टू से बी बन रहा है तब तो ठीक है, और मान लो बी से बी प्लस टू बन रहा है तो निगेटिव टाइम्स ले लेते थे। यदि मान लो बी से बी प्लस टू बन रहा है तो एक्स है, तो मान लो बी प्लस टू से बी बन रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। अच्छा राहुल अरोरा आ रहा है, ऐसे सोच सकते हैं, मतलब जैसे नेगेटिव आ रहा है तो देखो जो सेल में आप जो जो आपको रिएक्शन दो होगी। दो तरीके सुनो सुनो, आप दो तरीके से निकाल सकते हो उसका आंसर, ठीक है ना? एक तो आप उस तरीके से याद रख लो, यदि आपको उस तरीके से नहीं बनना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, रट्टा फिकेशन के बजाय आप क्या कर लो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, बोलो भाई, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो उसका, यदि आप, मैं तो वो प्रूफ करके दिखाया था कि इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, बच्चों कंफ्यूजन ना हो। अब तुम बताओ क्या कह रहे थे, तुम्हारी बात भी सुन ले हम। मैं कह रहा था अगर नेगेटिव साइन वो दिखा रहा है तो इसका मतलब ये भी कह सकता है कि वो उसमें पार्ट नहीं ले रहा रिएक्शन के अंदर, खाली वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का लिए खाली सर्व कर रहा है उसको, मतलब कैसे सर्व कर रहा है? मतलब समझा नहीं बेटा, अगर उसमें पार्ट नहीं ले रहा, वो खाली खाली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए एक तरह से जैसे कैटलिस्ट होता है वैसे काम कर रहा है। हाँ ऐसे भी, ऐसे नहीं है, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते ना, कैसे बोल लोगे तुम बताओ, खुद से तुम खुद सोचो। आप नहीं तो डायरेक्ट, यदि आपको निकालना हो तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड करके निकाल सकते हो, हाँ सर ऐसे हाँ है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, वो तो लिखने के तरीके हैं और कुछ नहीं है ना। यदि मान लो जेड एन से जेड एन प्लस टू दे दिया जाएगा तब क्या करोगे, रिवर्स करना पड़ेगा। मान लो जेड एन प्लस टू से जेड एन दे दिया, सर रिवर्स ही करना पड़ेगा। वो चीज है। अच्छा अब बताओ किसको पहले मैंने कुछ काम दिया था, सभी ने पेपर सॉल्व किया था? यस सर, यस हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो, डाउट आ सर, रही है? यस सर। यस एक तो सर क्या पिछली था क्लास का ही है है? सर, वो लास्ट में जो S6+HNO3 हाँ वो तो मैं कर सर। दूंगा, वो अभी सॉल्व कर रहा हूँ अभी मैं तुम्हें, आज पहले थोड़ा पहले वही सिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और कोई बताओ क्वेश्चन दे देना उसके थोड़े रिडॉक्स रिडॉक्स की, तो आज रिवीजन ले लें थोड़ा सा रिडॉक्स का, तुम कहो तो। के। यस सर, अच्छा यस तो मतलब पेपर सॉल्व हो सर गया था, प्लीज। पेपर सॉल्व हो गया था तुम लोगों का पूरा? यस सर, देखो धन्यवाद क्या कोई डाउट है वहां पे? सर, धन्यवाद। आवाज साहब नहीं आया, नहीं होगा, मुझे पता है। पता क्या होता है, जब तुम दोबारा, अब देखो अब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया होगा, तुमने दोबारा से पेपर लगाया था, बताओ आया नहीं आया कॉन्फिडेंस? यस सर, जल्दी भी हो गया यस था सर, सर। जल्दी भी हो गया, तो ये चीज है, मुझे पता था ना, मुझे पता था बच्चे को डाउट होगा, मुझे पता, क्योंकि वो पेपर डाउट लाइक था ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे ने कहा, बच्चे को मुझे लग रहा है, और जो जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग के बच्चे ने पूछा था उसको मैं ये भी बता दूं, उसको सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हुई होगी, बोलो भाई। यस सर, वो लेंदी हो गया था थोड़ा। यस हाँ मैं समझ गया था कौन से, शायद वो टॉर वाला क्वेश्चन शायद था शायद से, सर, हाँ जिसके अंदर हाँ वॉल्यूम मुझे एक्सपेंशन था। मुझे भाई मैं जानता हूँ है ना कि बच्चों कहाँ गलती होगी, है ना, तो वो पहले चीज आया है। हुआ क्वेश्चन हाँ पहले तो वो तो मुझे सारा सब पता है, एक्चुअली उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स भी है, कुछ क्वेश्चंस है ना यस आपके नीट के और जेई के, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी थे उसमें, है ना। तो देखो मैं तो सीधा बोलता हूँ,
करना है तो मेहनत करो। देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आज मैं कुछ एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए मैं मुझे ये बात स्टार्ट करनी पड़ी है आज बच्चों के साथ, शायद बच्चों कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मान लो एनसीईआरटी में डिसोल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखा हुआ है सैचुरेटेड, और मैं सैचुरेटेड बताना भूल गया, तो अब आप पढ़ सकते हो ना, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ कृष्णा, यस सर। है ना। मैं मेन कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा रहा हूँ, अरे यार इतने कॉन्सेप्ट है ना, मैं पहले दिन भी बोला था आपसे, यदि कोई चीज छूटती है तो क्या करोगे, बोलो क्या करना है तुम्हें, क्या करना नहीं है क्या सर, बोल आपको सकते, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना है क्या, इतने कॉन्सेप्ट तुम भी पढ़ते होगे एनसीईआरटी, तो मैं भी दिखता हुआ यार बड़े कॉन्सेप्ट है, हर एक तो कॉन्सेप्ट, आइसो अब ऑर्गेनिक में पढ़ते थे देख रहे, आइसो मैंने छोटा सा टॉपिक है कितना बड़ा ले जाते हैं नीट और इंजीनियरिंग में, तो वो चीज है। चलो आगे बढ़े, तो अरे स्क्रीन कर प्रेजेंट नहीं की अभी आपने? तो दी सर, नहीं सर अभी नहीं। नहीं हुई है अभी तक। अच्छा एक मिनट रुको, मैं देख रहा हूँ क्यों नहीं हुई भाई, तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। अब आपका एक काम है डेली का होमवर्क हमेशा, और अभी मैं डीपीपी ये सब भी अपलोड हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ राहुल अरोरा क्यों नहीं आ रहा है, तुम्हारी क्लास में ही था ना इंजीनियरिंग में, क्यों नहीं आ रहा है। सर पता नहीं। अच्छा ये मैथ की क्लास में तो आता है। अच्छा सर तो इसकी कोई क्लास और रहती है क्या आज। चलो पहला लेते हैं हम, एक बात बताओ एक मिनट, पहले पिछले वाले का आंसर बता दीजिए कौन से वाले का, बोलो सर। S6+HNO3। यार मैं, चलो पहले उसी की बात कर लेता हूँ, मैं थोड़ी फिर बात कर रहा था सर एक S6। बार रिडॉक्स का रिवीजन है सर, थोड़ा सा। चलो मैं ले लेता हूँ रिवीजन, ले लेता हूँ क्विक रिवीजन, ठीक है ओके। सभी को यस दिक्कत है सर। ना, सभी को इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों को, सभी को। यस सर। चलो मैं आज तुम्हें पूरे सिखा देता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सब सिखा देता हूँ ठीक है, लेकिन ध्यान से सीख लेना। P4+HNO3 गिव्स H3PO4, ये दिया दिया था क्या क्वेश्चन, प्लस एनओ, सर अभी ये नहीं दिया हुआ। हाँ कृष्णा तुम बताओ क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा था, मेरा S6 H6 +HNO3 HNO3 गिव्स गिव्स H2SO4+NO2। H2SO4+NO2। देखो भाई यहाँ पे ध्यान से सीख लो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, मैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करूँ पहले या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तुम बताओ पहले सर किससे करवाऊँ, ऑब्जर्वेशन से पहले ऑक्सीडेशन से करता हूँ। नहीं अपने को करना, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहाँ से करना, एक्चुअली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एन है ना वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने कैंसिल हो रहे हैं, बात समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कैंसिल कितने हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब हम बात करें यहां पे H6 से H2SO4, HNO3 गिव्स H2SO4+NO2 बना, तो पहले हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते हैं। देखो क्या करो तुम, H6 से पहले क्या कर लो, बोलो भाई हाफ H2SO4। रिएक्शन में मेथड कर लो, पहले हाफ रिएक्शन में कर लो, HNO3 किस में गया, NO2 में। अब देखो यहां पे सल्फर कितने हैं मेन एलिमेंट, बोलो भाई सिक्स, यहां पे कितने हैं, सिक्स तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं सिक्स, सिक्स सल्फर पे। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 6 4 जा 20, ट्वेंटी तो यहाँ पे कितने H2O जोड़ दूं, फोर अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, सर 12 H+ और जोड़ने पहले पड़ेंगे यहाँ देखो कितने हैं 12 पूजा सर 48, 48। हाँ और यस यहाँ पे सर। कितने हैं, यहाँ 12 मतलब कितने वाटर, कितने H+ जोड़ने हैं, 36। बोलो भाई ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही। अब देखो प्लस अब क्या हो जाएगा 36 H+ हो गया, अच्छा यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, +36 है ना इलेक्ट्रॉन, यस सर। बोलो भाई ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। यस अब देखो सर। HNO3 से NO2 गया, ध्यान सुनना क्या हुआ, कितने H2 जोड़ दें, अब यहां पे कितने H+ जोड़ दें,
बोलो भाई, एक हाइड्रोजन था, दो यहां थे, एक, फिर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ना है? इसको वन मान लिया, इसको यहां पे कितने से मल्टीप्लाई कर दें? वन से, यहां पे 36 क्या हो जाएगा बताओ भाई? बोलो भाई, 36 से, बोलो भाई, यही तो होगा, एच प्लस भी कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या, बोलो भाई, यहां पे क्या बचा? एच सिक्स प्लस 36 एच एन ओ थ्री गिव्स, यहां पे कितने बचे बोलो भाई? 6H2SO4 प्लस, यहां पे कितना बचा? 36NO2। अच्छा, अब ये देखना, यहाँ पे 24 यहाँ पे और 36 यहाँ पे, कितना बचेगा? 12। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई। बोलो भाई, ऊपर वाली करो सर। कर लिया, कर लिया, वेरी गुड। अच्छा, ऊपर वाली में उससे कर रहा हूं, किससे? चलो इसी से करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पी फोर किस में गया बोलो भाई? H3PO। यहाँ पे कितने फॉस्फोरस हैं? 4। अब देखो यहाँ पे क्या कर दे, अब क्या कर दे, सॉरी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। एक मैंने इंजीनियरिंग में एक मेथड बताया था, दी याद हो तुम्हें, याद है? अच्छा, यहाँ हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो मैंने सर, इधर 16H2 हो जाएगा, 16H2 के हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 भी तो होगा, सॉरी 4 × 2 = 16, सही है, 16H2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा बोलो? 16 × 2 = 32, और यहाँ पे कितने हैं? 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? क्या बचेगा? 2H2O, 1H+, 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? 20 से। इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी? सर 3H+ आएगा ना? कहाँ 3H+ आएगा? सर SNO3 के पीछे जो लिखा है। सर रिएक्शन में NO2 नहीं होना चाहिए? सर NO2 होगा ना? क्यों NO क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्यों नहीं हो सकता बताओ? NO पता है, NO भी हो सकता है, NO2। ये आपका फर्क डालता है, डायल्यूट H2SO4 कितना है, तुमने कितना डायल्यूटेड लिया है, इस पे फर्क पड़ता है, ठीक है? अभी आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे, समझे? ओके, यस सर। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस कर लोगे? 20 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस कितने से होगा? इसमें कितने से करते हैं? 20 से, इसमें 3 से। यस सर। रिएक्शन बैलेंस कर लोगे? यस सर। यस सर। अब बताओ, अब क्लियर हुआ कुछ, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो एक दो क्वेश्चन आप और कर लो, जिससे प्रैक्टिस हो जाए बस। अब आपको करना है एक क्वेश्चन, एसेट मैं करूंगा उससे, तुम करो उससे, H2SO4 चलो, कार्बन प्लस H2SO4 गिव्स CO2 प्लस SO2, करो भाई। खाने को है कुछ? ब्रेड में कुछ खाने को है? हाँ।
बोलो भाई। तो कल हमारे लिए सिवैया कौन भेजवा रहा है ये बताओ पहले। क्यों अबू जर सिवई में भिजवा रहे हो? नहीं डन सर डन। बोलो भाई। सर सी प्लस टू एच टू एस ओ फोर गिव सी ओ टू प्लस टू एस ओ टू प्लस टू एच टू हो जाएगा ना अभी से? यस सर। एक और कर लो बस। सर हो गया। एसिड प्लस एच एन ओ थ्री गिव एच टू एस ओ फोर। सर आंसर तो एक बार बता दीजिए। अरे हम बता काहे बड़बड़ा रहे हो, सब करेंगे, दो मिनट थांबा। मैं एनओ टू ये दोनों सॉल्व करो फिर हम बता रहे हैं, तो मैं आंसर भी बता रहे हैं। डन ओके। एक मिनट सर। चलो हो गया। यस सर। तो देखो मैं इसको अब आपने तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किया होगा, मैं इसको कर रहा हूँ अब किससे बोलो? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है आप सीख भी जाओगे। और डिवीजन जीरो से कितने जा रहा है? प्लस फोर। प्लस सिक्स से प्लस फोर। कितने का चेंज हो रहा है जीरो से प्लस फोर में? इसमें कितने का चेंज हो रहा है ना टू का? अब क्या अच्छा एक काम हो, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में करना है तो पहले ही कर लो। क्या हो जाएगा बोलो? कैंसिल कर दो। यहाँ पे क्या बचा? दो एक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या हो गया? दो। यहाँ पे एक। अच्छा अब देखो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे? दो। समझ रहे हो? उल्टा होगा ना? अच्छा उल्टा होगा, सॉरी हाँ उल्टा होगा, उल्टा होगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। यहाँ पे कर लो, कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा वन, यहाँ पे टू, और यहाँ पे कितना होगा? वन ही होगा, यहाँ पे टू आएगा। ये तो हो गया। चलो मैंने अब ऑक्सीजन देख लो, जिस तब जितने ऑक्सीजन कम उतनी वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। टू फोर जाए एट, यहाँ पे कितने हैं? सिक्स। यही आई होगी बैलेंस होकर रिएक्शन तुम्हारी में? यस सर। अच्छा इसमें बताओ जीरो से प्लस सिक्स और प्लस फाइव से प्लस फोर कितने का चेंज हो रहा है? एसिड में 48 का होगा। वेरी गुड। देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन पर एटम देखते हैं 48 और यहाँ पे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 48 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। अब अच्छा यहाँ बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से? 8। 8 वेरी गुड। और यहाँ पे 48। 48 कर दो सॉल्व। 16H2। सर ये वाला समझ नहीं आया। ये वाला बेटा यहाँ पे समझना, हम हमेशा क्या देखते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो जीरो से प्लस सिक्स कितने सल्फर है? यहाँ पे एक सल्फर था, कितने का चेंज हो रहा था? एक सल्फर एटम में। बोलो भाई कितने का हो रहा था? सिक्स का ही तो हो रहा है। बोलो भाई एक सल्फर एटम में कितने का चेंज हो रहा है? सिक्स का। आठ में कितने का होगा?
कितना 48 अभी जिसने उसको समझ में आया कि नहीं आया यस सर ये हो गया अब बताओ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो कितने H2 आ जाएंगे 16 H2O कैसे 16 आ रहे हैं पहले बता ऑक्सीजन काउंट कर लो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 112 112 क्यों हुए 144 यहाँ पे कितने आ रहे हैं शायद 12 प्लस 48 दूनी 96 8 9 3 12 128 हैं मतलब कितने ऐड करने हैं कितने कम आ रहे हैं ऑक्सीजन बोलो भाई 144 में 128 के कितने बचे 16 क्या ऐड कर दिए अच्छा अब चलो दो क्वेश्चन और कर लो सर एक बार उसको उस वाले मेथड से बता दीजिए किस वाले मेथड से रायन इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला बता दें सर ये नीचे वाला चलो देखो यहाँ पे ये तो आसान था एसिड किस में गया H2SO4 में ये तो बहुत आसान है 8 से मल्टीप्लाई कर दो फिर 8 चौको 32 यहाँ पे 32H+ ऐड कर दो सॉरी 32H2O फिर यहाँ पे कितने 32 दूनी 64 और यहाँ पे 16 माइनस करो 48 H+ ऐड कर दो बोलो भाई हाँ या ना अब दूसरा क्या था HNO3 था अब तो हो जाएगा सर बस यही गलती हो रही थी बस चलो हो गया सभी से आप चलो एक दो क्वेश्चन और कर लो बेंजीन की रिएक्शन करवाते तुम लोग क्वेश्चन ले कोई बेंजीन प्लस KMnO4 लेते हैं शायद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है बेंजीन प्लस तुम यहाँ पे ले लो MnO4 माइनस तो गिव्स CO2 प्लस Mn+2 इसको सॉल्व करो डन डन से ओके ओके और
क्या हुआ, हो गया? बोलो भाई। यस सर। क्या आया, कैसे किया था? बेंजीन को सीसी कैंसिल से लिया। वेरी गुड। यस सर, ऐसे ही। प्रोफेसर का एन फैक्टर सर। ठीक किया हुआ? अब क्या हो जाएगा बोलो? बेंजीन मर्डर कर देगा फिर से। कर लोगे ना? यस सर, ऑक्सीडेशन नंबर सर। तो मैं बताऊं ऑक्सीडेशन नंबर से क्यों कर रहे हो? आयरन इलेक्ट्रॉन से कर लो यार, आसानी पड़ेगी। जीरो यहाँ पे सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ट्वेल्व एच टू ऐड कर दो, बारह और अठारह बाद में चौबीस और छत्तीस, थर्टी थ्री, थर्टी एच प्लस कर दो, थर्टी इलेक्ट्रॉन कर दो। एम एन ओ फोर माइनस किस में गया? एम एन प्लस टू में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? बोलो 4H2। फिर क्या हो जाएगा? जब सर भाई 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। हम लोग ना मल्टीप्लाई, आज देवेश नहीं आया शुभम? यस सर। अब बताओ अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कर लोगे अब? यस सर। अब बढ़े आप हम आगे? यस सर। बढ़े आगे? एट एच प्लस कैसे आ गया? एट एच प्लस कैसे आया सर? हाइड्रोजन बैलेंस बना था। हाँ यस सर, यस सर, हो गया सर। चलो फिर पहला तो डेल्टा जी क्या है आपका? दी मैंने नेगेटिव आएगा तो क्या कैसी रिएक्शन होगी बताओ? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना? अरे डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तब कैसी वैल्यू होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा तब क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखना। अब जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। हमने ए से ए प्लस इलेक्ट्रॉन में गए, है ना? यहां पे बताना आपको ई वन इसका दिया हुआ टू वोल्ट, ठीक है ना? और ए प्लस से ए प्लस थ्री प्लस टू इलेक्ट्रॉन, यहां पे ई टू दिया हुआ थ्री वोल्ट। बताओ अब मैं यहां पे पूछ रहा हूं ए से ए प्लस थ्री बन रहा है प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, इसका ई थ्री पूछ रहा हूं, बताओ कैसे? बताओ फाइव वोल्ट। फाइव वोल्ट नहीं सर, फाइव नहीं आएगा, मुझे पता था वो यही लोग यही करेंगे, हम फिर यही देंगे, बच्चा गलती करता ना यहाँ पे। और बोलो देखो कैसे करते हैं? गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी, देखो आपको यहाँ पे यहाँ से ए से ए प्लस थ्री पूछ रहा है, यदि आपको ये दोनों ही दिए जाते तब पूछता, तब तो आप बता देते। बोलो 8/3 है ना? बिल्कुल 8/3, वेरी गुड। ध्यान सुनना यहाँ पे, यदि आपको डायरेक्ट ये दोनों दे देते तब तो आप बता देते, लेकिन यहाँ पे किसमें चेंज देख रहा है? ए से ए प्लस थ्री, जो बच्चा हमेशा गलती करता है। तो आप बच्चा क्या करता है, थर्ड इक्वल टू क्या कर दे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, और थर्ड इक्वल टू क्या कर देता है, फर्स्ट प्लस बोलो सेकंड, और आंसर क्या आ गया? ई थ्री इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, और वैल्यू क्या दिया होता बताओ एग्जाम में? फाइव वोल्ट। और आप भी क्या लगाते आते हो? फाइव वोल्ट। और ये क्या आंसर है? रॉन्ग। इसको इसलिए मैं कट कर दे रहा हूं, ठीक है? अब देखो ए से जब ए प्लस इलेक्ट्रॉन गया, ध्यान सुनना, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी बताओ? जीवन क्या होगा? माइनस टू। बोलो टू क्यों होगा?
सॉरी मैं सो वो है ना वोल्टेज ई पोटेंशियल क्या बोल रहे थे बेटा सर फर्स्ट वाले केस में हमें ईवन टू दे रखा है ना ईवन टू वो तो ईवन की वैल्यू है ना हम ईवन की वैल्यू नहीं रख रहे ना अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ एन की वैल्यू रखो क्या आई वन ईवन वन एफ ईवन ठीक है ना अच्छा अब ध्यान सुनना ए प्लस से जब ए प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन बनेगा तब क्या होगा जो आपको भी पता है क्योंकि जो ई जो आपका ईवन जो ये वाली ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है ना हमने बताया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती थी डेल्टा जी देखो डेल्टा जी टू क्या हो जाएगा बोलो भाई बोलो क्या हो जाएगा टू ये माइनस लगा देना आगे ठीक है अच्छा अब देखो अब आपको पता है यहाँ पे जो डेल्टा जी थ्री लिखोगे ए प्लस ए से क्या किस में जा रहा है वो ए प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन इसके लिए डेल्टा जी थ्री की वैल्यू क्या होगी माइनस थ्री एफ थ्री माइनस थ्री एफ ई थ्री अब देखो अब आपको पता आप क्या करोगे आप सिंपल बोलो भाई फर्स्ट सेकंड क्या थर्ड बनाने के लिए क्या करोगे बोलो भाई फर्स्ट डेल्टा जी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू तो थ्री ई थ्री क्या हो जाएगा इक्वल टू बोलो भाई वन इंटू ईवन क्योंकि हमने क्या कैंसिल कर दिया सब कैंसिल हो गया माइनस थ्री एफ भी कैंसिल हो गया प्लस टू इंटू अब आपको पता है ई वन ई टू की वैल्यू दी गई थी क्या थी बताओ वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री तो कितना आ जाएगा ई थ्री इक्वल टू एट वाई थ्री क्लियर हुआ ये तो बताओ यस सर हो गया भाई क्लियर ना हुआ तो पूछ लेना सर पहले वाले से क्यों नहीं कर सकते बेटा एडिटिव नहीं होते वो आप चेंज देख रहे हो ना यहाँ पे ए से ए प्लस थ्री बनने में कितना इलेक्ट्रिक उसके लिए नहीं बता सकते ना आप सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए ओके सर अब देखो जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को करना है तुम्हें MN से MnO2 में गया इसका ईवन दिया गया X वोल्ट MnO2 से MnO4 माइनस दिया इसका E2 दिया गया आपको बाई वोल्ट ठीक है ना MN से MnO4 माइनस बनाना है इसका E3 निकालना है बताओ कैसे निकालोगे सेम मेथड ही लगेगा बिल्कुल कैलकुलेट तो करो इतना आसान है क्या तुम इतना आसान लग रहा है सो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी हाँ तो बैलेंसिंग करो ना तभी अब आया रेडॉक्स लग गया बोलो भाई फोर एक्स प्लस थ्री वाई बाई सेवन कितना आ रहा फोर एक्स प्लस थ्री वाई बाई सेवन वेरी गुड कुणाल वेरी गुड वेरी गुड मजा बना दिया तुमने तो क्या आंसर है
आंसर क्या है? इसका आंसर है 4x plus 3y/7. वेरी गुड वेरी गुड, मजा बांध दिया तुमने, मौज कर दी तुम लोगों ने तो भाई। सर आंसर क्या है इसका? 4x plus 3y/7. देखो भाई कैसे करोगे, इसका बैलेंस कर पाए तुम लोग या नहीं कर पाए? शुभम हेलो सर, बैलेंस हो गया। तो देखो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई? 4 यही आई। Yes, मैं करके दिखाऊंगे, देख लो भाई मैं करके दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन MN से MnO2 में गया, आपको मैं बताऊं यहाँ पे क्या होगा, सिंपल यहाँ पे हो जाएगा 2H2O 4H प्लस पूरे इलेक्ट्रॉन। तो N की वैल्यू कितनी, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही N की वैल्यू हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली सीधा क्या लगेगा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो भाई, -4XF NF लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो MnO2 से किस में गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा सिंपली, यहां पे 2H2O 4H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा यहां पे बोलो, डेल्टा जी इक्वल टू -3F/. और इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं यदि याद हो तुम्हें, अभी हमने किया था। बोलो भाई MN से MnO4 माइनस, मतलब यहां पे क्या हो गया 4H2O, यहां पे कितने हो गए 8H प्लस, कितना हो गया 7। तो डेल्टा जी यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे देखोगे डेल्टा G3 हो गया, G1 G2 G3 हो गया -7F E3। अब क्या हो जाएगा, MN से MnO2 बनाना है हमें, क्या बना, सॉरी MN से MnO4 माइनस बनाना है। अब आपको पता है तो बताओ, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, तो क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड। अब बताओ माइनस 4x प्लस 3y/7 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, 3 इक्वल टू -4fx -3fy। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 7e3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y, e3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y/7। देख एक बात और ध्यान रखना, यहां पे इस तरीके क्वेश्चन तो कर लिया, जैसे मान लो डेल्टा जी नेगेटिव दे दिया जाए, ई कैसा होगा बता, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी यदि आपको पॉजिटिव दे दिया जाए, ई कैसा दे दिया जाए, नेगेटिव।
तो क्या हो गया ये? नॉट कंटीन्यूअस। डेल्टा जी हो जाए जीरो, ईवी क्या हो जाए जीरो, तब क्या हो जाएगा? विलियम, ठीक है ना। अब देखो, अब ध्यान सुनना यहां पे। अब क्या होगा, अब आपको जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे दिया, एक ए से ए प्लस बी प्लस टू गिव्स ए प्लस टू बी, जे दाना इसका मैंने दे दिया आपको 2 वोल्ट, और मैंने बी से बी प्लस टू दे दिया, बोल्ट। बताओ भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस? ई सेल निकालो, अब निकाल सकते हो डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं था। माइनस वन आएगा या प्लस वन? माइनस वन आएगा, क्या आएगा? माइनस वन है ना। तो ECL क्या आएगा? A बाई ए प्लस टू, उल्टा हो जाएगा। क्यों भाई? A बाई ए प्लस टू कितना होगा बताओ भाई, यहां पे कितना हो जाएगा? टू। यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस वन वोल्ट। मतलब क्या आ जाएगा बोलो भाई? नॉन स्पॉन्टेनियस। आप E की वैल्यू देख के ही बता सकते हो स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अच्छा, इसके लिए डेल्टा जी कैसा होगा? पॉजिटिव। चलो कुछ क्वेश्चंस करो और मैं दे रहा हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लो। ए से ए प्लस टू, ए प्लस टू से ए प्लस फोर, ए से ए फोर प्लस, ई नॉट दिया गया इसका एक्स, इसका ई नॉट दिया गया वाई, इसका ई नॉट निकालना है। एक्स प्लस फाइव बाई टू कितना आ रहा है? x plus y upon 2. x plus y upon 2, very good. Yes, sir. Very good, very good. सभी का हो गया? आसान था ये तो. So, x plus y by 2. Very good, very good. तो यहाँ पे जो डेल्टा जीवन आता है वो कितना आता है? माइनस टू एफ एक्स, और डेल्टा जी टू आता है वो कितना आएगा? माइनस टू एफ वाई, और डेल्टा जी नॉट यहां पे कितना आएगा? माइनस फोर। यही निकालना है, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो। थर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस सेकंड। सॉल्व कर लो क्या आएगा? माइनस फोर एफ ई नॉट। में पूरा सॉल्व कर देता हूँ एक क्वेश्चन, इससे बच्चों क्लियर हो जाए। यहां भी क्या हो जाएगा? टू एफ एक्स माइनस टाइम्स, और माइनस टाइम्स टू एफ वाई। अब देखो ये एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सब, ठीक है ना। ई नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो भाई? एक्स प्लस वाई बाय टू। एक क्वेश्चन अच्छा दे, चलो yes, sir. Yes. एक इस क्वेश्चन को करके देखो। एफ ई प्लस टू से टू इलेक्ट्रॉन लिए इसने, क्या बनेगा? एफ ई सॉलिड एक्स। एफ ई प्लस थ्री से प्लस टू इलेक्ट्रॉन मिला सॉलिड बना, ई नॉट इक्वल टू वाई बना, ठीक है ना। थ्री इलेक्ट्रॉन होगा क्या? थ्री इलेक्ट्रॉन होगा।
यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन हो, कर लो सही। अब देखो और Fe प्लस टू से Fe प्लस थ्री बना, सॉरी क्वेश्चन सुनना, Fe प्लस टू से Fe प्लस थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन ये बना, इसके लिए E नॉट सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई, नहीं x माइनस वाई, दिस टू एक्स माइनस थ्री वाई, वेरी गुड वेरी गुड। क्या किया कुणाल, पहले रिएक्शन को रिवर्स कर दिया था और डेल्टा नेगेटिव हो गया, वेरी गुड। ये तो तुम ऐसा भी कर सकते, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते तब भी हो जाता। यस सर, सेम बात, बात तो वही है ना, या तो माइनस कर दो उसको, है ना, उल्टा ले लो, या क्या कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, सॉरी फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, है ना। देखो इसमें कैसे करोगे, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, करो जल्दी से, और सभी का हो गया, साहिल 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 यस सर, बेटा बन रहे हैं तुमसे, यस सर कर रहा हूँ, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, रो रहे हैं, टेंशन मत लेना, बता देना ये कहीं दिक्कत आए। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे हमने सिंपली लिखा E नॉट था, अच्छा यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी पहले ये बताओ, टू एफ एक्स, यहाँ पे डेल्टा जी टू की वैल्यू क्या होगी, माइनस थ्री, मैं तो अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मुझे कुछ मत, मुझे पता ही नहीं है मैं क्या जानता हूँ, मैंने बताया नहीं उल्टा है, ठीक है ना, ऐसे मान लो डेल्टा जी थ्री कितना हो जाएगा, बोलो भाई, माइनस एफ ई नॉट। अब क्या होगा आपको पता, थर्ड, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें ये वैल्यू निकाल, तो हम क्या करते हैं थर्ड इक्वेशन को निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, फर्स्ट में माइनस सेकंड कर देते हैं, बोलो भाई, तो क्या आएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, बोलो भाई, डेल्टा जी वन नॉट माइनस डेल्टा जी टू नॉट, यहां पे क्या आएगा, बोलो कितनी वैल्यू है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पे, प्लस, अब क्या हो जाएगा, ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स माइनस, यस सर मेरा भी है, उसी बात पे क्वेश्चन और दिया जाए अच्छा सा, तुम्हें जब यही आंसर्स आ रहे हैं तो क्वेश्चंस और दिए जाए, लिखो फिर, यस सर, जब तो एक क्वेश्चन और लिखा जाए आपके लिए खिदमत में पेश है, ए से ए प्लस टू ई नॉट एक्स है, ए प्लस टू से ए प्लस फाइव ई नॉट वाई, देखो बेटा हमें यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हमें यहाँ पे ए दे रहे हैं, यहाँ पे आपको मेटल जेड एन से जेड एन प्लस टू दे दे, एस एन प्लस टू से एस एन प्लस फाइव दे दे, तो बस ये मैं ना यार सर ने तो पढ़ाई नहीं था ये, ठीक है ना, समझ रहे हो, आपको मैं सिंपल जनरल एलिमेंट के लिए लिखा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना, ए प्लस फाइव से ए ई नॉट बताओ, ठीक है ना। अब देखो और तो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, तुम कर रहो, इस बार नोट कर लिया इसको, नो सर अभी नहीं किया,
चलो मैं यही लिख देता हूँ दूसरा क्वेश्चन, मतलब थोड़े में सॉल्व हो जाएगा। ए से माइनस टू एक्स माइनस थ्री बाई फाइव, टू एक्स माइनस थ्री बाई फाइव क्यों होगा भाई, थोड़ा चेक करो। माइनस टू एक्स माइनस थ्री बाई बाई फाइव, तो ये माइनस कैंसिल नहीं होगा, रिवर्स कर देंगे रिएक्शन। अच्छा रिवर्स कर देंगे। अच्छा ए प्लस फाइव से ए बनाना है तुम्हें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x a प्लस से a प्लस थ्री e नॉट इक्वल टू क्या हो गया बाई a प्लस थ्री से a प्लस सिक्स हो गया, इसका क्या हो गया e नॉट z, और सिंपली आपका हो गया a से a प्लस सिक्स, इसका ई नोट बताओ। सर पहले x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड अपॉन सिक्स, क्या बोल रहे थे बेटा कोई बच्चा और को? x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड अपॉन सिक्स, वेरी गुड। ई नोट इक्वल टू x दिया गया, सर पहले वाले एक बार समझा देते। अभी समझा रहे बेटा, मैं क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ बेटा, सारे क्वेश्चन लिख दूँ मैं समझा रहा हूँ। सर आंसर क्या आ रहा था वैसे उसका, किसका आंसर क्या आ रहा था? तो पहले वाले का 2x प्लस 2x माइनस 3y आ रहा ना, सो माइनस 2x प्लस 3y अपॉन 5। अच्छा x कहाँ आ रहा है यार, मैंने चाहे उल्टा लिख दिया उसमें क्वेश्चन, चलो अब तो वो हो ही जाएगा। लेकिन वैसे एक बात बताओ क्यों चेंज होगा, तो E not SR भी होगा ना, तो उसका SOP हो जाएगा। चलो E not equal to Y, MnO4 minus से Mn plus 2 में गया, इसका E not हो गया Z, इसको भी करो जेड क्यों ये हो गया, चलो बताओ इसको। यस थ्री यस, पहले क्वेश्चन के अलावा कुछ उतारा भी नहीं था वो, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर बढ़ते चले जाएंगे। ई नॉट एक्स दिया, बस अब मोर देन इनफ प्रैक्टिस हो गई है ना, लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। बताओ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, पहला वाला तो हो गया, बताओ इसके लिए क्या करोगे, ए से ए प्लस टू, माइनस इसमें क्या करोगे टाइल, इसमें क्या करोगे फाइव एफ ई, मान लो इसको बाई क्यों मान लो, जेड मान लेते हैं ना, जेड मान लो, जेड मानना तुम्हें, मैं ई मान लेता हूं। निकाल लोगे अब x प्लस y इक्वल टू टू, x माइनस y इक्वल टू थ्री, वही इक्वेशन सॉल्व करना है।
बोलो भाई। यस सर। पक्का सर? आंसर 3y - 2x / 5 है ना? नोट क्या आंसर आ रहा है बताना आंसर इसका। 2x + 3 सर फर्स्ट वाले का। हाँ 2x + 3y / 5 नेगेटिव है सर, ये आ रहा है इनका। ये सर मैंने भी तो यही बोला 3y नहीं ये नहीं आ रहा यही आया सर। शुभम यही आया सर। अच्छा तुम ही बोल रहे थे शुभम? यस सर। नेगेटिव में कैसे है? नेगेटिव बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना। आप यदि यदि आप इस तरीके से लिखोगे तो आप बताओ थर्ड इक्वल टू क्या होगा, कैसे निकालोगे थर्ड इक्वेशन? आपकी जो ई नॉट वैल्यू आएगी वो रिवर्स में करनी पड़ेगी ना। ये तो आप ए से ए प्लस फाइव निकाल लो, यदि मान लो ए से ए प्लस फाइव निकालोगे तो क्या आएगा 2x + 3y / 5 यही आएगा ना। यस सर। सर एक बार ये करके दिखा दीजिए सर पहले वाला। करके ही तो दिखा दिया सर, मतलब इक्वेशन इक्वेशन बता दें। कौन इंटर हुआ है? आकाश? यस। बोलो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? बोलो भाई जी थ्री इक्वल टू फर्स्ट। अरे तुमने फर्स्ट माइनस सेकंड किया था क्या? नहीं सर, फर्स्ट प्लस सेकंड और उसका माइनस ले लिया था। मैं तो सेकंड माइनस फर्स्ट, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो तो क्या सर प्रॉब्लम हो जाएगा? सर तीसरी इक्वेशन को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो इसका ई नॉट माइनस ई हो जाएगा और हमको ई निकालना है तो सिंपली ई निकालेंगे और फिर माइनस से डिवाइड कर देंगे। ये सही है, ये भी बात सही है, रिवर्स कर लो पहले से ही तो वो फिर उसका डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बोलो भाई है ना। आप क्या करो इसको रिवर्स कर लो, इसको इस तरीके से लिख लो ए से ए प्लस फाइव। इतना कर सकते हो क्यों भाई? यस सर। तो ए से प्लस फाइव लिखोगे तो इसके लिए ई की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट की जो आप ऐड करोगे, और लेकिन ए प्लस फाइव से ए की वैल्यू क्या होगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी ना। बोलो भाई क्या हो जाएगी? ई नॉट की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी ना, माइनस हो जाएगी ना, माइनस टेन। आप क्लियर हुआ क्या नाम है? इक्वेशन नहीं बन पा रही इसकी, इक्वेशन आएगी तुम्हारी माइनस टाइम्स। अरे यार तुम थर्ड इक्वल टू ये कर दो फर्स्ट प्लस सेकंड, इतना कर दोगे है ना। अब फर्स्ट प्लस सेकंड करो तो थर्ड क्या दिया गया बताओ भाई? अब तो बना लोगे, थर्ड माइनस टाइम्स हो जाएगा, इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ई नॉट तो रिवर्स हो गया। अरे बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलो भाई नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड इक्वल टू क्या, आप लिख लो यहाँ पे। आप पहले डायरेक्ट निकाल लो किसके लिए निकाल, फर्स्ट प्लस सेकंड के लिए निकाल लो ना, तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर लो एज इट इज, जैसे सॉल्व करते हो वैसे कर लो। माइनस टू एफ एक्स माइनस थ्री एफ वाई अपॉन क्या हो जाएगा बोलो? फाइव को लेके चल जाएंगे है ना, अभी फाइव से डिवाइड, हाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा बोलो भाई? एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ई नॉट इक्वल टू
क्या बचेगा 2x plus 3y upon 5। अब लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा ना, कि उल्टा दे रहा है। अच्छा सर, वो जो आया है वो रिवर्स वाला माइनस है। अब बताओ यहाँ पे करो। ये हो गया, कितना आया इसका आंसर? x plus 2y plus 3z upon 6। वेरी गुड, यही आया सभी का तो बता देना। यस सर। x plus 2y plus 3z upon 6। अच्छा दूसरे वाले का बताओ, MnO4 वाले का। 3x plus 2y upon 5। क्या आएगा 3x? 3x plus 2y upon 5, यही आ रहा है? भाई बता देना, जिसको जहां डाउट है तो पूछ लेना हमसे यहाँ पे। सर अभी तो किया ही नहीं है ये सब, बाद में। सर ये क्वेश्चन ही नहीं लिखे हैं अभी तो, मैं दो ही क्वेश्चन कर रहा था। चलो करो करो, इसको करो करो इसको। सर पिछली स्लाइड दिखाओ। ठीक है लो। बोलो भाई, हो गया? यस सर, आ गया आंसर। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा देना। बना लिए हो गए तुम्हारे सब? सर इसका आ गया। यस सर। कितना आया? सर एक्स प्लस वाई अपॉन टू। वेरी गुड। यस सर, ये आ रहा। वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर क्या था? इसका आंसर आ रहा है x plus y by 2। भाई रेडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंस करना आना चाहिए, नहीं कर पा रहा बैलेंस, देखो एक मैं करके दिखाता हूँ। आप इसको मॉलिकुलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा ये C2H6O। यही होगा गिफ्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H4O। अच्छा यहाँ पे कार्बन बैलेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 6, यहाँ पे 4। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ भी ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पे क्या कर दें, सिंपली 4H प्लस ऐड कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। यही होगा? कुछ गड़बड़ हो रहा मुझे ऐसा लग रहा है। दो ही तो थे, दो हैं, 6 4 है, दो हैं, दो ऐड हो गए। कितना हो जाएगा 2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सर 2x प्लस y बाय 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2x प्लस y बाय 3। इसका आंसर देख लेते हैं अभी हम क्या आ रहा है इसमें। देखो इसका क्या आ रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू इसका क्या आ रहा है सर? x प्लस y बाय 2 आया। बिल्कुल वही आएगा बेटा, वही सही आंसर। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, और कुणाल चेक कर लो तुम। माइनस 2 fx, यहाँ पे क्या आएगा? आ गया सर, मैंने क्वेश्चन निकाल के डाल लिया था।
मुझे पता था यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या है बताओ डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा कृष्णा यस सर क्या होगा यहाँ पे सर एक मिनट में निकाल लो सर माइनस टू एफ बाई आ जाएगा माइनस टू एफ बाई आ जाए मतलब सर डेल्टा जी माइनस टू एफ बाई आएगा डेल्टा जी की वैल्यू अच्छा माइनस टू एफ बाई आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे माइनस फोर एफ ई नोट आ जाएगा बस सॉल्व करना है बताओ क्या करोगे थर्ड इक्वेशन के लिए फर्स्ट प्लस कितना आ जाएगा बोलो x plus y by 2 हाँ बिल्कुल सही कितना आएगा अब कर लोगे ना सॉल्व yes, 2fx minus 2f by तो क्या आ जाए माइनस से माइनस सारे कैंसिल f से f कैंसिल हो जाएगा तो e not equal to क्या बचेगा x plus y by 2 तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे ठीक है ना इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे कर लोगे ये वाला क्वेश्चन कर लिया तुम लोगों ने कहीं इनमें बताओ कहीं दिक्कत कहीं डाउट सर MN वाले में हुआ है थोड़ा सा MN वाले में क्या हो रहा बेटा मैं बताऊं क्या उसको यस सर सॉल्व कर लो बेटा यदि आपने पता इलेक्ट्रॉन सही नहीं ऐड किए होंगे बस यही अंतर हो सकता है ना इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड होंगे बताओ आप MnO4- से MnO2 में जाओगे आपको पता है यहाँ पे क्या पड़ेगा दो एच टू ओ जुड़ेंगे और यहाँ पे क्या होगा फोर एच प्लस जुड़ेंगे और यहाँ पे क्या होंगे थ्री इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे बोलो भाई हाँ यस सर यही गलती मुझे पता तुम इलेक्ट्रॉन जोड़ने में गलती कर रहे हो तुम लोग भाई सॉल्व करना सीखो जैसे देखो भाई एक क्वेश्चन और करना रेडॉक्स का Cr2O से देखो मैं तो कुछ भी ले रहा हूँ ये इसको सॉल्व करना Cr प्लस थ्री में जाएगा इसको सॉल्व करना बैलेंस करो उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से तो डाइक्रोमेट आयन किस कलर का होता है ये नहीं बेटा नहीं ऑरेंज होता है तो आपने लास्ट कुछ प्रीवियस क्लास में कराया था मैंने तो अब फिर से कर दो यस सर सर 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14h प्लस प्लस Cr2O7 गिव्स राइज टू 2Cr प्लस 7H2O एक क्वेश्चन अच्छा दे दिया जाए तो मैं बताओ यस सर तो पर लिखो इसी बात पे क्वेश्चन अच्छा है लास्ट स्लाइड दिखा दें लास्ट स्लाइड दिखा दें ओके सर ये एक बार MnO4 माइनस से Mn प्लस 2 को एक बार फिर दिखा दीजिए डन MnO4 माइनस से Mn प्लस 2 किसमें जाएगा ये 4H2 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा
8s प्लस का 7 चार्ज यहाँ है, प्लस का 2 यहाँ है, बताओ 8 में से एक क्या है? यस सर, हाँ यस हो गया सर, हो एक काम ध्यान रखना तुम लोग, सुनो क्या नाम है तुम लोगों का, सौमिल, आकाश, कृष्णा, तुम ई नॉट की वैल्यू चेंज मत किया करो, है ना? आपको जैसे मान लो ई नॉट इक्वल टू एक्स दिया, अब मैंने मान लो रिवर्स में दे दिया आपको क्वेश्चन, किसमें दे दिया रिवर्स में, तो आप क्या करोगे, सिंपली माइनस कर दिया करो, क्या कर दिया करो, बोलो भाई एडिटिव प्रॉपर्टीज करो, है ना? क्योंकि वहां पे कभी कभी तुम कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए एक काम करो सिंपल सा मेथड रखो एडिटिव वाला, ठीक है? ओके सोमिल, करो उसको, सर 2x माइनस 3y अपॉन 6 क्या आ रहा है? 2x माइनस 3y अपॉन 6 नहीं, 2x माइनस नहीं नहीं गलत आ रहा है, कर गड़बड़ कर रहे हो, देख लो मुझे आंसर क्लियर, x माइनस 2y माइनस y बाय 2 x माइनस 2y बाय 3 आ रहा होगा सर, आ गया यही आ रहा है, यस सर, सर मेरा आंसर आ रहा है 2y माइनस x बाय 3 2x माइनस 3y x बाय 3 सर आंसर क्या है, सर आंसर क्या है, कुछ बैलेंसिंग में गड़बड़ किया हुआ, सर आंसर क्या है बता दीजिए, अब देख लो मुझे भी निकालना पड़ेगा, x माइनस 2y 3 बता रहा है आंसर तो, लेकिन मुझे लग रहा है शायद गड़बड़ हो, देख लेता हूं मैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, बैलेंस किया यहाँ पे 2 2 हो रहे हैं, तो मतलब डेल्टा जी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू बाई माइनस एक्स बाई थ्री आ रहा है, टू बाई आंसर आ रहा है टू बाई माइनस एक्स अपॉन थ्री, सही आ रहा है, यही देखते हैं, अभी देख लेते हैं 2 मिनट को, ये हो गया,
और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दूसरा क्या है डेल्टा जी टू क्या है? बोलो भाई -4f/y यही हो रहा है। डेल्टा जी थ्री बताओ बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे, बैलेंस करो, अभी हाल पता चल जाएगा। करो तब तक तुम बैलेंस पता चलेगा, मैं जब तक आ रहा हूँ अभी हाल। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? -6f/3 अब क्या होगा? एक बात बताओ, हम इसको फर्स्ट माने, इसको हम सेकंड माने, इसको थर्ड माने, इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके थे, बस हमने मॉलिक्यूल बना के दे दिया इसको मैं ऊपर। तो अब आप क्या करो, डेल्टा जी थ्री इक्वल टू कर दो -1 -2 फर्स्ट इक्वेशन -2। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा जी थ्री कितना है, ये कितना है बोलो भाई, ये कितना है डिवाइड बाई, यहां पे कितना है, एफ से एफ कैंसिल कर दो सर, वो माइनस कैसे प्लस होगा ना, वो कहां माइनस पे प्लस होगा सर, 4f/y हाँ प्लस कर लो। आईसन क्या सही है, तुम लोगों का आंसर पर सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 2y -x/3 यही आ रहा आंसर। यस ऐसा क्या सर, ये नहीं आएगा, ये कहाँ है, नहीं नहीं माइनस लेना पड़ेगा, नहीं नहीं भाई माइनस लेना पड़ेगा, मैं ही गलत लिख रहा हूँ, सही तो आ रहा मेरा आंसर, माइनस यहाँ भी तो लगा है, x -2y/3 होगा। अब देखो यहां तक क्लियर सभी को, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले लो। अच्छा बैलेंसिंग कर पा रहे हो? नो सर, उसकी बैलेंसिंग बता दीजिए। अरे बच्चा देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस कुछ मत, इनसे डर जाते हो तुम लोग, पता नहीं क्यों, मैं डरा दिया बस मैंने तुम्हें, सिंपल है ना, डरा कैसे दिया, अरे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कन्वर्ट करो, क्या हुआ इसका बोलो, C7 बोलो, अब बोलो, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं बनना तुम लोगों से, वाह C7H8 गिफ्ट क्या बनेगा C7 बस इसको बैलेंस करने में क्या जा रहा तुम्हें, एक H2 ऐड कर दो, C7H8 कैसे आ गया लेफ्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 8 3 ये हाइड्रोजन, 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 सात कार्बन ही हो गए ना, 6 और 1 7 पर हाइड्रोजन कितने 8, देखो भाई ये हाइड्रोजन भूल रहे हो क्या, कहाँ बुद्धि है भाई कृष्णा, हाँ यस सर वही गलती हो रही थी थोड़ी सी, अब हो जाएगा, हाँ यस सर, चलो तो 2H+ है यहाँ पे, मैं पूरे ही कर देता हूँ, कहने वाली रास्ता क्या करूँ, 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो बच्चे नोट्स देखेंगे कहेंगे सर ने गलत कर दिया। चलो अब आगे बढ़े, यस सर, ऐसा ही एक और दे दीजिए क्वेश्चन, एक और दे दें, मान नहीं भरा तुम्हारा सर, इस टाइप का जो ये दिया था अभी मेरे पास, इतनी क्वेश्चन थे मेरे पास, अब मैं देखूंगा तब दूंगा, ये तो मेरे खुद के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये मेरे किसके क्वेश्चन हैं बोलो, खुद के क्वेश्चन हैं। अब देखो मैं जनरल क्वेश्चंस करा दिया हूँ, अब वो तुम्हें एक ही जगह SN दे सकता है, एक ही जगह एल्यूमिनियम दे सकता है, एक ही जगह जिंक दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो
नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं अब हम, क्या पढ़ते हैं बोलो भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। ये एक सिंगल डेरिवेशन है ना इस चैप्टर में, कौन सा सर? ये नेक्स्ट इक्वेशन ना, इसका डेरिवेशन भी नहीं है सिलेबस में, तो नहीं है तुम्हारे, लेकिन हम बता देंगे थोड़ा सा, ठीक है, कहाँ से आता है ये बता देंगे, ठीक है बेटा, है ना। तो डेल्टा का काम तो वैसे भी कंपटीशन एग्जाम में तो होता है, डेल्टा जी इक्वल टू ये होता है, इक्वेशन पढ़ी है कभी छोटे छोटे से तब पढ़ी थी इक्वेशन, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी एल एन टू दी बेस 10 या लॉग ले लो, लॉग बेस टू दी 10 क्यूब, क्यों भाई ये पढ़ी थी कभी इक्वेशन, पढ़ी होगी अच्छा। और अब आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई होता है, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट होता है, ध्यान सुनना। अब हम एक काम करते हैं बच्चा, एन एफ से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दे तो क्या गुस्सा हो जाओगे, बोलो भाई, एन एफ से यदि हम डिवाइड कर दें तो गुस्सा हो गए, ई नॉट माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303 आर टी अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा एन एफ, है ना, और क्या हो जाएगा लॉग q टू दी बेस 10। अच्छा यहाँ पे q क्या है बेटा, या QC लिख देता हूँ अच्छे समझ में आएगा, रिएक्शन कोशेंट, हाँ जो QC होता है यहाँ पे उसे बोलते हैं हम रिएक्शन कोशेंट, अच्छे से पढ़ेंगे अभी हम इसको, हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखना सीखेंगे किसके लिए, अभी हमने कौन सा सेल पढ़ा था बोलो, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के लिए पढ़ेंगे अभी। इफ अब देखो, यदि मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बताओ, टेम्परेचर क्या होता है सिंपली, तो टेम्परेचर लेते हो कितना लेते हो 25 डिग्री सेल्सियस, फैराडे कितने लोगे 96500, है ना, आर की वैल्यू कितनी लोगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं इस जगह पूरी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो क्या आती देखो वैल्यू, जो वैल्यू आती है, अरे यार तुम्हारे लिए पेज खत्म हो गए, अच्छा तुम्हें पीपीटी मिल रही है डेली? यस सर, तो देखो, तो जहां तक तुम लोगों की भी कल छुट्टी होगी, नहीं हुई छुट्टी कल की, छुट्टी करवा दें सर आपकी मर्जी, तुम बताओ क्या चाहते हो सर, हम सर आपकी मर्जी, अच्छा हमारी मर्जी, तो मेरी क्लास है क्या कल सर, फिजिक्स की होगी शायद सर, फिजिक्स की है, चलो तो यहाँ पे क्या बचा, ये आया 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब ध्यान रखना, ये तो बन गया है, तो जो वैल्यू आती जब सब्सटीट्यूट करते हैं, तो E इक्वल टू होता है E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई N log टू दी बेस 10 QC, बोलो भाई ये वैल्यू याद रख लोगे, ये किसके लिए है बोलो, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो अब हमें लगता है, मैं अब यदि मैं आगे बढ़ूंगा तो वो फिर ये लंबा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चंस भी कराने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड सेल भी बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे खुद के इसमें, तो अपन वो करेंगे, ठीक है भाई। तुम लोग क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, है ना, जितने लगाओगे क्वेश्चन उतने ज़्यादा होंगे, सिर्फ मुझसे डाउट सिर्फ एक ही बच्चा पूछता है जो आकाश है, और कोई डाउट नहीं पूछता है, समझे ना,
और कोई डाउट नहीं पूछता है। आकाश के डाउट आ जाते हैं, मैं बिजी रहता हूँ आखिर, लेकिन रात लेट नाइट कभी कभी रिप्लाई दे पाता हूँ। क्यों आकाश चला गया है ना? तो सौमिल लगाना स्टार्ट करो, कब करोगे? डाउट नहीं आ रहे? आता है तो उस पे दो तीन बार करके देखता हूँ, फिर हो जाता है। मतलब हो रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है? हाँ तो फिर ठीक है। अबूजर यस सर। चंद्रमा दिख गया अबूजर? चांद दिख गया सर? आज तो दिख नहीं है, कल नहीं दिखा तो दिखे गई। अच्छा वैसे आज की होती नहीं तो ईद है ना? यस सर। चलो कल से तुम भी अब मेंटली एकदम पैसा ही खत्म हो जाएगा, मेहनत करना कर दोगे स्टार्ट, ठीक है? यस सर। फिर और कुछ पूछना है तुम लोगों को? अटेंडेंस ले लेते हैं अब, ठीक है? देखते हैं भाई। सर मुझे सॉल्यूशन चैप्टर से एक चीज पूछनी थी। बोलो स्वामी, क्या पूछना था? सर जो एजियोट्रॉप्स होते हैं उसमें कंपोजिशन ऑफ मतलब लिक्विड स्टेट में वेपर फेज में सेम होती है, तो सर हमने मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट क्यों नहीं कर पाते? देखो फ्रैक्शनल उनके बॉइलिंग पॉइंट भी तो देखने पड़ते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? जैसे मतलब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हाँ, अलग अलग टेम्परेचर के होते हैं। हाँ, वो चीज हो जाता है ना, इसीलिए कॉन्स्टेंट बॉइलिंग इसीलिए तो लेना पड़ता है। क्या निकालने पड़ेंगे कुछ, उनका कोई तरीका ही नहीं है, रट्टा मारना पड़ेगा उनका। तो ये चीज क्या तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, खुद से समझ वो चीज करनी पड़ेगी, है ना? पढ़ना ही पड़ेगा, और एक एजियोट्रॉपिक पढ़ जरूर लेना, ना आए समझ में तो हमसे पूछ जरूर लेना। अब एक बात सर, मेरा एक डाउट था। बोलो भगत सिंह। सर कॉपर सिल्वर सेल में कॉपर और सिल्वर को सर सेपरेट कंटेनर में क्यों रखते हैं? किसको बेटा? सर कॉपर सिल्वर सेल में कॉपर और सिल्वर को सॉल्यूशन जो है सेपरेट कंटेनर में रखते हैं? कॉपर सिल्वर सेल को अभी बेटा हम बात करेंगे अभी उसकी हम, है ना? कॉपर सिल्वर सेल को हम क्या करते हैं, अलग अलग कंटेनर में रखते हैं। यस सर। ऐसा क्यों करते हैं कॉपर और क्यों कॉपर और सिल्वर? डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट टर्बिडिटी मिलने लगेगी। ये कॉपर कैसा होगा बोलो भाई, बोलो। कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है? मुझे तो यही लग रहा है, यही रीजन होगा, यही होगा। और अदर तुम्हारी जो करंट भी होगी उसमें प्रोड्यूस भी नहीं होगी, फिर जो तुम करंट भी प्रोड्यूस करोगे एक्सटर्नल करंट वो भी जनरेट नहीं होगी यदि सेम कंटेनर में रख दोगे, क्योंकि Ag प्लस आयन में क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा ना, कौन कर देगा उसको, कॉपर कर देगा ना। बोलो भाई। यस सर। क्योंकि तुम्हें पता है ना एक्सटर्नल करंट विल तब फ्लो होती है, रिड्यूस होता है तभी तो एक्सटर्नल करंट प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी तो होता फ्लो। सर वो पोलैरिटी को रिड्यूस करने के लिए। हाँ वही चीज, वही चीज। और बताओ सर।
There was a 10-year cell पढ़ा था हमने, anode पे Zn को लिया था और cathode पे copper को. सर उसमें electricity का flow कहाँ से कहाँ पर था? Anode से cathode. उल्टा होता है. सर अगर हम zinc को cathode पे ले लें तो? नहीं उल्टा होता है बेटा. नहीं नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, उल्टा ही होता है उसमें फ्लो. हम तभी तो वहाँ पे जो एनोड लिया था वो क्या लिया था, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड लिया था. सॉरी अरे पॉजिटिवली होता है, वैसे पॉजिटिव होता है लेकिन वहाँ पे क्या था, नेगेटिव, उल्टा होता जस्ट. और कैथोड कैसा लिया था? पॉजिटिवली, यदि याद हो तुम्हें तो. हमने ये भी बताया था जिंक की जो रॉड होती है वो पतली होती चली जाती है. सर मैं वो पूछ रहा हूँ सर कि अगर हम जैसे Zn plus 2 और Cu plus 2 ही लिया दोनों में, तो सर अगर Zn plus 2 को कैथोड पे ले ले और Cu plus 2 को बेटा वो तो फिर हमें सारे टर्म्स कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी ना. ले लोगे तो फिर क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. हाँ एक्सटर्नल वर्क करना. और पहली बात तो वैसे भी नहीं होगा पॉसिबल, इसलिए नहीं. जिंक की रिएक्टिविटी क्या है बोलो भाई? ज्यादा है सर, ज्यादा है. यहाँ पे एक्चुअली वो होते ही है. हम गैल्वेनिक सेल में ऐसा उल्टा करते उल्टा होने लगेगा फिर तो, जैसा सेल होता है वैसी गैल्वेनिक सेल में उल्टा ही होता है. हम कैथोड जिंक का ही लेते हैं तो सेल ही है फिक्स, समझ रहे हो कृष्णा? यस सर. हाँ हम उल्टा नहीं ले सकते, उल्टा लोग फिर तो नॉर्मल ही हो जाएगा. मुझे लगा आपने माना है कि एनोड पे लिया. नहीं नहीं माना नहीं है भाई, ऐसा होता ही है वो उसी तरीके से सेल बनता है. हम कुछ नहीं मान रहे वहां पे. ठीक है और कोई डाउट? चलो एक काम करते हैं सर, इस बार वाले टेस्ट में इक्विलिब्रियम ही होगा ना पूरा. मैंने कौन कौन से चैप्टर बोले थे मुझे बोल दो ना, मुझे याद दिला देना थोड़ा. सर आयनिक इक्विलिब्रियम का ही ले लीजिए सर. अभी मत देना मुझे, अभी याद मत दिलाना. नहीं इक्विलिब्रियम आएगा तो पूरा आएगा. तो सर रिडॉक्स ले लीजिए फिर, अभी हम देख लेंगे बात कर लेंगे उस पर. अभी कौन कौन से बोले मैंने तीन चैप्टर, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम और अभी तक हमने किया 12th की फिजिकल. बस बस इतना ही देंगे बस पर्याप्त. ठीक है इक्विलिब्रियम तो वैसे इतना बड़ा है तो क्या हुआ, बस बहुत है. सर इक्विलिब्रियम के 3-4 क्वेश्चन ही आ पाएंगे फिर. क्यों सर 45 क्वेश्चन में क्या क्या आ पाएंगे? तो क्या हुआ 3-4 क्वेश्चन ही सही. सर रिडॉक्स दे दीजिए ना वो अभी उसकी. नहीं 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 वो डन हो, अब वो डन हो गया, पहले ही डन हो चुका है, अब चेंजेस नहीं हो सकता. सर अभी आपने रेडॉक्स थोड़ी ना बनाया क्या? सर तो रेडॉक्स है उसमें अलग से कुछ नहीं है. रेडॉक्स तो इसी में तो माय रिवाइज हो जाएगा, मैं इसी में रिवीजन ले लूंगा रेडॉक्स का, टेंशन क्या ले रहे हो. चलो फिर ठीक है पढ़ाई करो. ओके बच्चा पार्टी टाटा बाय बाय. गुड नाइट सर. गुड नाइट. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. ओके थैंक यू. नाइट सर.